अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हज के फौरी बाद सस्ते तरीन उमरा पैकेजेस आपको बताने लगा हूँ। सऊदी एयरलाइन के साथ डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन जाएगी, चाहे आप लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची से जाएं, जद्दा के लिए रवाना होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा 21 दिन का और 28 दिन का पैकेज। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं सबसे सस्ता पैकेज, जो कि शटल होगा मक्का पाक में, जबकि मदीना पाक में 1000 मीटर के फासले पर होगा। आप पैदल भी जा सकते हैं, बस पे भी जा सकते हैं, बेहतर है पैदल चले जाएं। मक्का पाक में जो होटल है वो हबीबा कामसा होटल होगा, जबकि मदीना शरीफ में सईदा उबैदा होटल होगा, जो कि 1000 मीटर फासले पर है। मक्का पाक में आप बस से ही जा सकते हैं, 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है। ये 21 दिन का पैकेज आपको पड़ेगा 1,95,000 रुपए का, जबकि 28 दिन का पैकेज आपको पड़ेगा 2 लाख रुपए का। तो बेहतर है कि आप 28 दिन रहें, वहां सिर्फ 5,000 ज्यादा है, 2 लाख रुपए का पैकेज है। 28 दिन आप मक्का और मदीना पाक में गुजारें, बाकी आपकी मर्जी होगी कि आप मक्का पाक में कितने दिन स्टे करना चाहते हैं, मदीना पाक में कितने दिन। सेकंड आपको पैकेज बताने लगा हूं, सिर्फ 700 मीटर फासला होगा मदीना शरीफ भी, मक्का शरीफ भी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये भी काफी सस्ता पैकेज है। मक्का पाक में ज़ारा खामसा होटल होगा और मदीना शरीफ में आपको मिलेगा जोहरा मोतीज होटल, और ये पैकेज आपको 21 डेज का पड़ेगा 2,05,000 रुपए का, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन फ्लाइट के साथ हज के फौरी बाद। जबकि आपको 28 दिन का पैकेज 2,15,000 रुपए में पड़ेगा। और इससे भी मजीद बेहतर आपको पैकेज बताने लगा हूं, इसमें मक्का पाक में होटल आ जाएगा अबीर अल बैत होटल 500 मीटर फासले पर, और बुर्ज हकीम होटल मदीना शरीफ में होगा, वो तकरीबन 300-400 मीटर फासला होगा। 2,13,000 रुपए का 21 दिन का पैकेज होगा, जबकि 2,26,000 रुपए का 28 दिन का पैकेज होगा। और लास्ट आपको स्टार पैकेज बताने लगा हूँ, सबका फेवरेट पैकेज है। इसमें मक्का पाक में आपको मिलेगा मातिर अल जवार होटल, जो कि 500 मीटर फासले पर होगा, और मदीना शरीफ में आपको मिलेगा अरजवान अल मदीना होटल, जो कि 200 मीटर फासले पर होगा। ये पैकेज आपको 21 दिन के लिए मिलेगा 2,33,000 रुपए का, जबकि 28 दिन का पैकेज आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए का। इसमें एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप देखिए, बहुत सस्ते पैकेजेस इस दफा आ रहे हैं, लास्ट टाइम की निस्बत मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। लास्ट जो ईयर था उसमें 2,30,000 से पैकेज शुरू हो रहे थे, जबकि अभी आपको इजीली 2 लाख से भी कम का पैकेज मिल रहा है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप पैकेज लेंगे, आप किसी भी ट्रेवल एजेंट को ये होटल नेम बता के या डिस्टेंस बता के इतने में पैकेज ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आपने पैकेज लेना है, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपने, अगर आपके माइंड में ये है कि मैं फ्लेक्सीबल डेट पे जाऊं, फर्ज करें कि आपने 25 जुलाई डेट डिसाइड कर ली है, तो आप हो सकता है 27-28 जुलाई को माइंड बन जाए जाने का, तो आपने ओपन टिकट करवानी है, उसमें टिकट की जो तारीख वो चेंज हो सकती है। सम टाइम ट्रेवल एजेंट आपको बताते नहीं है, वो ग्रुप टिकट कर देते हैं, हालांकि आप अकेले जा रहे होते हैं तो उस टिकट की तारीख चेंज नहीं होती। जाते वक्त अगर आपको श्योर भी हो कि आपने तारीख चेंज नहीं करवानी, सम टाइम आप 21 दिन के पैकेज के लिए गए हैं, आपका दिल किया मैं 28 दिन रहूं, तो वापसी पे भी ओपन टिकट की तारीख चेंज करवा सकते हैं, थोड़े से चार्जेस लगते हैं। और अगर ट्रेवल एजेंट ने पैसे बचाने के लिए आपको बताया ना, आपको ग्रुप टिकट दे दी, तो आप वापसी पे भी अपनी टिकट जो है इसकी तारीख चेंज नहीं करवा सकते, ना ही वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको लॉस होता है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट जाते वक्त आप ट्रैफिक में फंस जाएं या टाइम पे पहुंच ना सकें, तो ओपन टिकट 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन दे दें एयरलाइन के अमले को या ट्रेवल एजेंट को, बताकर आप अपनी टिकट जो है इसके तारीख चेंज करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। जबकि अगर आप ग्रुप टिकट आपको मिली होगी तो वो किसी सूरत में भी ना कैंसिल होगी, ना उसकी टिकट की जो तारीख है वो शेड्यूल चेंज होगा, तो वो आपकी अगर 1,25,000 की टिकट है तो सारे के सारे पैसे आपके जाया हो जाते हैं। इस तरह की चीजों का ख्याल किया करें। मजीद इस तरह की बेहतरीन मालूमात आपके फायदे के लिए होती है, इसके लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप में उमरा अदा करना चाहते हैं तो ग्रुप में उमरा अदा करने के लिए कारवाने रहमत ट्रेवल एंड टूर्स हैं, और इसमें चौधरी आसफ जट आपको लीड करेंगे। उनका मैं सामने इश्तिहार चला देता हूँ, आप फौरी तौर पर इनसे राबता कर सकते हैं और सस्ता तरीन ग्रुप उमरा पैकेज हासिल कर सकते हैं। नमाज कायम किया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक,
और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हाफिज मोहम्मद साकिब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।